हेलो नमस्कार दोस्तों, बिजली विभाग से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान में लगेंगे, जिससे कोई भी इस मीटर से नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, बिजली विभाग से बड़ी खबर है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार सभी बिजली कनेक्शनों पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे, यानी अब पहले बिजली बिल जमा कराना पड़ेगा, फिर बिजली सप्लाई होगी। हर कनेक्शन व मीटर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होने से बिजली चोरी रुकेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के बाद जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम ने मीटर बदलने की गाइडलाइन का काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बोले, नोटिफिकेशन पर परीक्षण करवा रहे हैं। बिजली विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1.39 करोड़ एक्टिव उपभोक्ता हैं, इनमें से 15 लाख कृषि कनेक्शन हैं। अभी प्रदेश में 500 करोड़ रुपए खर्च कर 6 लाख उपभोक्ताओं के घरों में पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन्हें भी भविष्य में प्रीपेड कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 90,000 करोड़ के घाटे से जूझ रही जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम को नए सिस्टम से राहत मिलेगी। दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि नोटिफिकेशन के परीक्षण करवा रहे हैं, इसके बाद ही बजट व खरीद की प्लानिंग होगी। केंद्र एक प्रीपेड मीटर के लिए 900 रुपए देगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर 7 से 8 हजार रुपए में आता है। अभी लगाया जा रहा सिग्नल फेज मीटर 800 रुपए, थ्री फेज मीटर 1500 रुपए में खरीदा जा रहा है। पहले फेज में साल 2019-20 में 15% से ज्यादा बिजली छिजत वाले शहरी सब डिविजनों में 15% कनेक्शनों और 25% से ज्यादा छिजत वाले सब डिविजनों में सभी सरकारी कार्यालयों, इंडस्ट्रीज व कमर्शियल उपभोक्ताओं के दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। दूसरे फेज में सभी क्षेत्रों में सभी कनेक्शनों पर मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बिजली विभाग से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।